दोस्तों टेक्निकल प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है और जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग टेक्निक्स की अपडेट पाने के लिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज की टेक्निक्स। तो पहले खबर की बात करते हैं और शुरुआत करती है यहाँ पे हुआवे से कि दोस्तों हुआवे जो है वो शायद बहुत ही जल्दी अपने हुआवे मेट 40e वाले स्मार्टफोन को ग्लोबली लॉन्च करने वाला है। और ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों इसके अंदर आपको किरिन का 990E वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा और साथ ही दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको एक 10 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। तो देखते हैं इस हुआवे के अपकमिंग मेट 40e वाले स्मार्टफोन के बारे में और क्या खास डिटेल्स निकल के आती है, मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों क्या आपने कभी हुआवे का स्मार्टफोन यूज किया है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरी टेक्निक्स की ओर जो कि निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से कि दोस्तों सैमसंग शायद बहुत ही जल्दी अपने ए सीरीज के अंदर बहुत सारे नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है। और साथ ही दोस्तों सैमसंग का जो अपकमिंग गैलेक्सी A72 वाला स्मार्टफोन है ये भी दोस्तों फाइनली आज BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों हमें बहुत ही जल्दी सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी A72 वाली स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिलने वाली है। तो देखते हैं इस अपकमिंग सैमसंग के गैलेक्सी A72 वाले स्मार्टफोन के बारे में और क्या खास डिटेल्स निकल के आती है, मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे मोटोरोला की तरफ से खबर आ रही है कि दोस्तों मोटोरोला जो है वो शायद बहुत ही जल्दी अपने एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का अपकमिंग प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिलेगा। और फाइनली दोस्तों ये स्मार्टफोन की जो रिटेल बॉक्स है ये ऑफिशियली टीज कर दिया गया है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और आप मुझे आज कमेंट में ये जरूर बताना कि आप मोटोरोला की इस अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लिए इंटरेस्टेड हो। दोस्तों यहाँ पे रियलमी की तरफ से एक खबर आ रही है कि दोस्तों जो रियलमी का अपकमिंग नार्जो 30 सीरीज का स्मार्टफोन है ये भी दोस्तों फाइनली आज BIS सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हो चुका है। इसका मतलब दोस्तों हमें रियलमी की तरफ से बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर रियलमी की नार्जो 30 सीरीज वाली स्मार्टफोन देखने को मिलने वाली है। तो देखते हैं इस रियलमी के अपकमिंग नार्जो 30 सीरीज के बारे में और क्या खास डिटेल्स निकल के आती है, मैं आपको अपकमिंग टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों लगे हाथ ओप्पो की तरफ से एक खबर आ रही है कि दोस्तों जो ओप्पो का अपकमिंग स्लाइडर स्मार्टफोन है इसके दोस्तों फाइनली आज जो कॉन्सेप्ट रेंडर्स वगैरह है वो लीक होकर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि दोस्तों जो ओप्पो का अपकमिंग स्लाइडर स्मार्टफोन है ये कुछ इस तरीके से देखने में होने वाला है। दोस्तों क्या आप इस ओप्पो के अपकमिंग स्लाइडिंग स्मार्टफोन के लिए इंटरेस्टेड हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी टेक्निक्स की ओर जो कि निकल के आ रही है शाओमी की तरफ से कि दोस्तों शाओमी की तरफ से खबर निकल के आ रही थी कि दोस्तों जो शाओमी का अपकमिंग मी 11 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन है उसमें आपको जो चार्जर है वो इन द बॉक्स देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब ऐसी खबर निकल के आ रही है कि दोस्तों जो शाओमी है वो यूजर्स को एक ऑप्शन देने वाला है कि दोस्तों यूजर अपने तरीके से चार्जर को डिमांड कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों अगर एक यूजर्स को चार्जर इन द बॉक्स चाहिए तो उनको MI 11 के साथ चार्जर इन द बॉक्स देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर किसी यूजर को चार्जर नहीं चाहिए तो आपको सिर्फ MI 11 वाला स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो देखते हैं Xiaomi के अपकमिंग Mi 11 वाले स्मार्टफोन के बारे में और क्या खास इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों क्या आप Xiaomi की तरफ से आने वाले अपकमिंग Mi 11 वाले स्मार्टफोन का वेट कर रहे हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको आज का टेक्निक्स पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।